देश में कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी कोरोना की। आपको बता दें कि इससे पहले 14 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को कोब्रेवैक्स नाम की वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब 6 साल से लेकर के 12 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ को देखते हुए इस वैक्सीन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और फिर से इसकी एक नई लहर शुरू हो रही है, और इसी को देखते हुए बच्चों को सावधानी पूर्वक रखा जाए, उन्हें ठीक तरीके से रखा जाए और उन्हें ये कोरोना ना हो, इसको लेकर के ये वैक्सीन अब उन्हें दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की थी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन तैयार की है। फिलहाल 15 से लेकर के 18 साल के बच्चों को यह वैक्सीन दी जा रही है। गुरुवार को ही बैठक में SEC ने इस बात पर गौर किया था कि 9 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाए या नहीं दी जाए। हालांकि शुक्रवार को कंपनी की तरफ से बताए गए डेटा के बाद एक्सपर्ट ने अतिरिक्त जानकारी दी है। गौरतलब हो कि कोरोना की पिछली लहर में बच्चों पर ज़्यादा गंभीर असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चों पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि स्कूल खुलने के बाद बच्चे और भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। चर्चाएं ये भी हो रही है कि मार्च के महीने में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना से बचाव के लिए जोरदार तरीके से अभियान चलाया जाएगा। चर्चा ये भी है कि मार्च के महीने में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना के बचाव के लिए जोरदार तरीके से अभियान चलाया गया था। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चों को कोरोना वायरस होता भी है तो माता पिता को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में कोरोना के लक्षण काफ़ी माइल्ड है और समय पर इलाज करवाने से बच्चे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि इन लक्षणों की समय रहते पहचान ज़रूरी है। इससे पहले 12 से 15 साल तक के बच्चों को मार्च के महीने में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया गया था। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 6 से लेकर के 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। XE वेरिएंट को कोविड-19 ने पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा संक्रामक माना है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को इस नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाकर रखा जाए। बच्चों में अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।